से सिप यार, तो बहुत हो गया यार, यू नो मैदे की नूडल्स खाना. लेट्स ट्राई दिस वन, नॉट फ्राइड, नो मैदा, एंड प्रोटीन है इसमें, एंड 40% मिलेट, एंड इट्स होल व्हीट फ्लावर. सो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है. दिख तो बहुत अच्छी रही है, बट लेट्स टेस्ट. सो थोड़ी ठंड हो रही है तो मैंने सोचा कि टोपी शोपी पहन लेते हैं. सो 250 ml वाटर, एंड नाउ लेट्स ओपन दिस. सो 250 ml वाटर सही है इसके हिसाब से, क्योंकि नूडल्स कुछ इतनी सी हैं. वैसे 70 grams हैं, एंड इसका पेरी पेरी मसाला. अरे मेन बात तो मैं बताना भूल गई, इट्स मैक्सिकन पेरी पेरी, सो इट्स पेरी पेरी मसाला. सो मैंने स्पेनिश पढ़ रखी है तो मैंने कहा कुछ मैक्सिकन, मतलब मैक्सिको में भी यार स्पेनिश बोली जाती है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए. नहीं पता तो मैं बता ही दूँगी. नूडल्स काफ़ी पतले नूडल्स हैं, और जो इसकी स्मेल है ना वो एकदम पेरी पेरी ही है. तो इसको पकने देते हैं थोड़ा अच्छे से. सो जो इसकी स्मेल है ना वो एक सूप जैसी आ रही है, और अभी पकी नहीं है, लग रहा है कि पक गई हो. और काफ़ी पतले हैं ये नूडल्स आटे के होने के बावजूद भी, मिलेट भी है इसमें. सो लेट्स सी हाउ इट्स गोना टेस्ट. सो इट्स रेडी नाउ, इट्स डन नाउ. अब इसको टेस्ट करने की बारी. और एक बात कि जो मेरा रिव्यू होता है वो एकदम ऑनेस्ट होता है, क्योंकि वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनी ब्रांड बेबी. सो हियर वी गो. सो इसकी जो स्मेल है पकते वक्त वो थोड़ी आपको मतलब खौफनाक सी आएगी, बट इतनी खौफनाक ये टेस्ट में ना हो, ये आशा है हमारी. सो इट्स पेरी पेरी, तो पेरी पेरी को ज़्यादा ही पेरी पेरी है इसमें, और बहुत ज़्यादा ही सॉल्टी है. मतलब बीपी तेज बढ़ सकता है आपका इसको खाकर. सो इट्स बेटर कि आप कोल्ड ड्रिंक के साथ इसे खाएं. सो आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको इसे ट्राई करना भी चाहिए या नहीं, बट बहुत ज़्यादा नमक है इसमें मेरे हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा है. हो सकता है आटे की गुडनेस हो, मिलेट्स हो, बट नमक बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा. सो इट्स योर चॉइस, अगर आपको ये ट्राई करनी है तो करिए, वरना मत करिए. बाय बाय.